हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आज आप लोगों को जो मैं लास्ट लेक्चर में जो है प्रॉपर्टी जो बता करके गया था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। मैं आज जो है आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज जो है चार तक हुए थे सर, है ना। पांचवी नंबर प्रॉपर्टी देख लेना, नंबरिंग अपना जो है एडजस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है देन इसे लाइक करें एंड देन उसके बाद शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आज मैं प्रॉपर्टी में बता रहा हूं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में कि अगर बाय द वे अगर या ऐसे करो, पहले ये देख लो डबल इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा हूं, डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। डबल इनइक्वालिटी के बारे में देखो जी, यहां पे है कि अगर ए लेस देन बी लेस देन सी हो, ठीक है ना, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी हो, तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम मिले तो आप इसे ऐसे सॉल्व करना है। पहले दो फर्स्ट टू इनइक्वालिटी ले लेना एंड देन लास्ट टू इनइक्वालिटी ले लेना और ऐसे लिखना। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो बना रहे हो आप ऐसे, इसको हम लोग यहाँ पर सिस्टम का नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम का नाम दे देते हैं। इसका मतलब होता है टू टेक कॉमन वैल्यूज, टू टेक कॉमन वैल्यूज, इसमें से और इसमें से जो भी कॉमन वैल्यू मिलेगी, जो भी कॉमन सोल्यूशन होगा, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वेशन। अरे बात समझ में, यानी कि ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जो डबल इनइक्वालिटी है, जैसे देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे मिलती है और कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने दे दिया माइनस टू इज लेस देन टू माइनस फोर एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू टेन, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम अगर आपको मिल गई तो ये देखो डबल इनइक्वालिटी है। तो मैंने इसको सोल्व करने के लिए क्या बताया, है ना, कि आप क्या करेंगे, सिस्टम ले लिया और पहले दो इनइक्वालिटी को उठा दिया आपने, फिर जो है 2 माइनस फोर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 ले लिया। अरे बात समझ में, इंप्लाइज दैट अब इसको जरा सा सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां देखिए हम क्या करें, दोनों तरफ माइनस टू कर देते हैं, तो माइनस टू अगर दोनों तरफ करेंगे, एक एक स्टेप में लिख रहा हूं, और यहां से क्या कर दे 2 माइनस फोर एक्स माइनस टू, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया मेरा, ये देखा जाए तो माइनस फोर हो गया और यहां क्या जाएगा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस फोर एक्स, और यहां देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस फोर एक्स, और देखा जाएगा एट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखो x को फ्री करना है किससे, माइनस फोर से, तो माइनस फोर से क्या करेंगे, माइनस फोर को इधर भेज दें, अगर माइनस फोर को इधर भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ माइनस फोर से डिवाइड करेंगे। आज के बाद कभी भी बात ध्यान में रखना है, आज के नहीं पिछले क्लास के बाद से, पिछले लेक्चर के बाद से, कि जिसको x से फ्री करना होता है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उतनी ही अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, अगर डिवाइड में है वहां पे तो उतनी ही अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, और ये देखते हुए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे बात समझ में, है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही चीज ध्यान में रखना, और कभी भी जीरो से डिवाइड हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहां पे भी क्या करेंगे, माइनस फोर एक्स अपॉन माइनस फोर, और यहाँ क्या जाएगा एट अपॉन माइनस फोर, बात समझना मेरे ध्यान से। अब ये लेस देन है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हो तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी की बदल जाएगी और यहां पे भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अरे बात समझ में, एंड देन बेटा क्या बन जाएगा, ये अब हमारा बन जाएगा, ये रहा क्या हो जाएगा, माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स होगा, एक्स लेस देन वन हो जाएगा, क्यों, इनइक्वालिटी थोड़ा सा सजा के लिख लिया हूं मैं। अरे बात समझ, ये कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, वन ग्रेटर देन एक्स कॉलो, एक्स लेस देन वन कॉलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू हो गए ना एक्स के लिए दोनों सर। अब इसका काम करेंगे, इसका काम ये क्या है, सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या समझ लेना कि x की वो वैल्यूज जो इसको और इसको एट अ टाइम सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए यार सीधी सी बात है, रियल नंबर लाइन लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि है भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए रियल नंबर लाइन लिए, रियल नंबर लाइन लेकर के जो जो नंबर आपको दिखेंगे उनको इस रियल नंबर लाइन पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। जैसे माइनस टू है और यहां वन है, तो माइनस टू यहां पे होगा, वन यहां पे होगा। अरे बात समझ में, ठीक है ना, है ना। अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से इंटरवल बनाएंगे, यानी तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट लेंगे, सर्कल लेंगे, याद आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल मैंने बताया हुआ था, ठीक है। देखिए यहां कह रहा है एक्स की वैल्यू वन के इक्वल नहीं है, तो वन के नीचे क्या हो जाएगा, सर्कल, और कह रहा है एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, तो वन से छोटी बताओ लेफ्ट या राइट, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएंगे, जाएंगे कहां तक जाएंगे, कुछ यहां लिमिटेशन है कहां तक जाएंगे, इसलिए बहुत जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट के नीचे जाकर के होल लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। उसी तरह माइनस टू के इक्वल है तो यहां पे कह जाएगा डॉट हो जाएगा, ये पूरा भरा हुआ होगा, और कह रहा है माइनस टू से बड़ा तो चलते जाएंगे। अब बताओ जरा दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो जो दोनों में कॉमन लेना होगा इसका मतलब, तो ये कॉमन लाइन देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू
माइनस टू से लेकर और कहां तक वन के बीच में, और माइनस टू यहां शामिल है और ये ठीक लाइन गई हुई है, कहीं टूटी नहीं है, इसलिए माइनस टू इसमें दोनों में है। तो ये हो जाएगा, यानी दूसरे भाषा में ये हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में और ये हो गया हमारा इंटरवल फॉर्म में, इसको कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके बीच का तुम कोई भी नंबर लेकर के यहाँ चेक करो, इसमें रखो सेटिस्फाई करेगा, क्या हो जाएगा माइनस टू और वन के बीच का नंबर जीरो ले लेते हैं, जीरो रख करके देखो टू माइनस टू और टेन के बीच में आएगा यह है। तो ये एक टेक्निक है, ठीक है ना। एक दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी मेथड, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक दूसरी मेथड क्या है जो कि यहां पे उसके वजह से जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। ठीक है ना, क्या करते हैं इसको लेकर के पैरेलली चलते हैं, ये प्रॉब्लम थे तो हम क्या करेंगे माइनस टू कर देंगे, क्या बन जाएगा बेटा ये बन गया हमारा माइनस फोर और ये क्या बन जाएगा माइनस फोर एक्स और ये क्या हो जाएगा ये एट हो जाएगा। अरे बात समझ में, अब क्या करेंगे माइनस फोर से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस टू और इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बन गया हमारा माइनस टू से लेकर के एक्स की वैल्यू वन के बीच में, यहाँ पे तो ये बड़ा जल्दी आ गया, ये करना ज्यादा खतरनाक लगा, यहाँ पे ये करना बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। देखो ये स्टेप तो मैंने लिखा है, इस स्टेप को चाहो तो आप हटा भी सकते हो क्योंकि इसके बाद आप माइनस टू करने के बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखो तो ये दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और देखा जाए तो ये 12 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, 10 स्टेप में जितने भी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां तो ये छोटी लेवल पे है तो आपको जो बहुत इजीली आप इसको बना ले रहे हो और बहुत इजीली आप कर दे रहे हो, कभी कभी जो है ऐसे ब्रेक करके बनाना ज्यादा सुटेबल होता है और ज्यादा बेनिफिशियल होता है विथ रेस्पेक्ट टू दैट। अरे बात समझ, इसलिए मैं दोनों टेक्निक आपको बताते हुए चल रहा हूं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो अप्लाई करें, एंसर दोनों का सेम आएगा, यानी ये कह लो कि ये मेथड और ये मेथड, ठीक है ना, अगर ये और ये दोनों अगर भाई हैं तो ब्रदर फ्रॉम कंग्रुएंट मदर यू कह सकते हो, है ना, कि ये दोनों जो है कंग्रुएंट मदर के, है ना, ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी डबल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, अब मैं एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो अगर बाई दे एक्स लेस देन वाई है, एक्स और वाई दो रियल नंबर है और एक्स लेस देन वाई है और ये दोनों का दोनों निगेटिव है, जीरो से छोटे हैं, तो ये याद रखना मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड वाई से, मॉड एक्स कभी भी मॉड वाई से ग्रेटर देन हो जाएगा। ये एक्स अगर वाई से छोटा है या छोटी है, अब भैया इसका हम लिंग चेक करने नहीं गए हैं, ठीक है ना, एक्स है अगर मेरी होगी तो छोटी होगी और जिसका होगा छोटा होगा, ठीक है, समझ लेना, यहाँ पर बहुत ग्रामेटिकल है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां ध्यान रखना, जैसे मान लो कि अगर मैंने लिया माइनस फोर इज लेस देन माइनस टू, अरे बात समझ में, तो जब हम इसका मॉड लगाएंगे, जब हम इसका मॉड लगाएंगे तो मैंने बोला इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों निगेटिव होने चाहिए, जीरो से छोटे होने चाहिए। तो हम यू कह सकते हैं कि स्मॉलर द नंबर लार्जर द मैग्नीट्यूड, अरे बात समझ में, यानी जो नंबर स्मॉलर होगा मैग्नीट्यूड लेने के बाद से, यानी मॉडुलस लगाने के बाद से, वो क्या हो जाएगा लार्जर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर यही अगर हमारा ऐसे रहता कि x लेस देन y है और दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी यूं कह लो ऐसे कह लो तो जब लगाएंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, कभी भी ये चीज आप बात सोचते हुए चलना कि अगर x लेस देन y है और दोनों का दोनों निगेटिव है तो जैसे मैग्नीट्यूड लगाएंगे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन हमारी बदल जाएगी। और अगर हम इनइक्वालिटी कब नहीं बदलेगी, जब दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो हमारी इनइक्वालिटी जो है कभी भी चेंज नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बोलता है ना, कहता है वो कि अगर ए बी से बड़ा हो एंड ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन देन वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी हो जाएगा, यानी ए और बी अगर हमारे पास दो रियल नंबर है और अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और ए और बी का साइन सेम होना चाहिए, अरे बात समझ में, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल लेंगे उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं जो कि बहुत घातक होता है, अभी देखते हैं। जैसे देखो अगर मैं बोल दूं कि 10 इज ग्रेटर देन 3
तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जाहिर सी बात है ये क्या जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 0.33, जाहिर सी बात है सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि -10 लेस देन है अगर -3 के, बात समझ लें, -10 जाहिर सी बात है -3 से लेस होगा, तो देखो -1/10 जो होगा माइनस हो जाएगा ये, ठीक है मेरी बात जरा ध्यान सुनना। तो ये और ये साइन जब सेम है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये देखो -0.1 हो जाएगा और ये क्या जाएगा -0.33, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों पॉजिटिव है तो रिसिप्रोकल करने पे जो है इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल गई, ये दोनों नेगेटिव है तो रिसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है बदल गई। लेकिन अगर मैं यूं कह दूं कि -10 <3 है, अरे बात समझ में, या यूं कह लो है ना कि 10 > -3 है, तो जब तुम इसे उल्टा करोगे, यानी मैं ये कह रहा 0.1 और ये हो गया 0.33, यानी ये हो गया 0.1 - 0.33, तो जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे थे इसको भूल करके चलने का कि ए ग्रेटर देन बी होगा तो उल्टा करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो इनइक्वालिटी आप जरा बदल लो, अब जरा मिलाते हैं, क्या -0.1 0.33 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 0.1 लेस होता है -0.33 से? बिल्कुल नहीं यार, ये निगेटिव नंबर कभी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो नहीं सकता और पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से कभी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे तो दोनों जगह सही हो रहा है। तो इसमें इस प्रॉपर्टी के लिए मेन हार्ट ये है कि ए और बी दोनों का साइन सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं रहेगा देन हम आपको इसके भी अप्रोच बताएंगे, है ना, आप देखते चले। इसीलिए मैंने बोला था लॉ ऑफ रिसिप्रोकल, ठीक है, आपको लॉ ऑफ रिसिप्रोकल जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, है ना, कि लॉ ऑफ रिसिप्रोकल क्या है, लॉ ऑफ स्क्वायर क्या है, लॉ ऑफ स्क्वायर रूट क्या है, लॉ ऑफ क्यूब क्या है, लॉ ऑफ क्यूब रूट क्या है, लॉ ऑफ इवन रूट क्या है, लॉ ऑफ ऑड रूट क्या है, ये चीज जो है जानना ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो खैर ये प्रॉपर्टी जब जान गए, ये सब जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन दे दिया है ना 1/ अगर दे दिया sin x + cos x और इसका हमें रेंज निकालना होता है, ठीक है ना, तो हमें तो ये पता चल जाता है कि इसका जो है रेंज हो जाएगा -sin x + cos x का रेंज जो है -√2 से +√2 के बीच में होंगे, अगर आप थोड़ी सी भी पढ़े होंगे देन ये जान जाएंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, सीधी सी बात समझ लो, अगर कहीं लिखा हुआ है a sin x + b cos x तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है -√a² + b² से लेकर के +√a² + b² अंडर रूट इन योर लैंग्वेज एंड इन माई लैंग्वेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो देखो तो यहां साइन का कोफिशियंट 1 है, कॉस का कोफिशियंट 1 है, देखो ए और बी स्क्वायर करके जोड़ दो आ गया, ठीक है, लेकिन यहां रेंज हमारा 1/ का निकालना है, आ गया ना रिसिप्रोकल, तो यहां पे इसकी अप्रोच है ना रिसिप्रोकल वाली यूज पड़ेगी, ठीक है ना। बताते हैं बेचैन क्यों है, जरा सा दिल थाम के रखें। अब देखिए ये हो गया, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर बाय द वे ए बी से बड़ा है और अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, अगर ए बी से बड़ा हो और दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, तो जरा सा ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ हम एक्सपोनेंट में एक नंबर आर ले ले और आर पॉजिटिव हो तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यू कह दो अगर ए बी से बड़ा है एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, देन दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंट में आर ले यानी पॉजिटिव नंबर ले तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, और अगर दोनों तरफ एक्सपोनेंट में नंबर आर ले और आर नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि 2 < 4 है, अरे बात समझ में, अगर दोनों तरफ हम एक्सपोनेंट में 3 लेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, ठीक है ना जी ये, और अगर हम दोनों तरफ एक्सपोनेंट में अगर हम -3 ले तो इनइक्वालिटी जो है बदल जाएगी। आप खुद करके देखो, ये 8 है, ये 64 है, ये क्या है 1/8 है और ये क्या है 1/64 है, जाहिर सी बात है जिसका डिनोमिनेटर कम वो पूरी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो पूरी क्वांटिटी कम होगी, अगर न्यूमिनेटर दोनों का सेम है तो। अरे बात समझ में, क्यों ये चीज देखो, यही चीज ज्यादा जरूरी है। कहोगे सर क्या ये बच्चों वाले चीजें सब यूज क्या होगा, अरे बेटा जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन ये चीज मिलते जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है क्या। अभी तो ये बच्चे लेवल पे आप देख रहे हो, जस्ट आपको जो है प्रॉपर्टीज दे दे करके रिफ्रेश करते हुए जा रहा हूँ या आपको बताते हुए जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स का तो कलेक्शन में पूरी लेक्चर प्रॉब्लम्स की बनाऊंगा, ठीक है आप देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, फिर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जरा सा आप ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
अगर बाई द वे ए टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए टू दी पावर वाई है, ठीक है ना, ये तब आप ध्यान में रखें, जब आप बेस हटा दीजिएगा और अगर बेस ग्रेटर देन वन होगा तो एक्सपोनेंट के साथ रिलेशनशिप में इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, अगर हमारा जो बेस है अगर आप इसको हटा दे रहे हो तो हटाने के पहले ये चीज देखना कि वो ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है। अगर बेस ग्रेटर देन वन होगा तो एक्सपोनेंट को वैसे ही लिखना और इनइक्वालिटी वैसे ही रहने देना, लेकिन अगर बेस जो है अगर हमारा लेस देन वन होगा तो एक्सपोनेंट के रिलेशनशिप में इनइक्वालिटी जो है बदल जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाती है। आ रही बात समझ में? कब? जब बेस हमारा वन से छोटा हो। वन से छोटा है तो निगेटिव तक पूरा चले जाता है? नहीं, आप आगे चल करके एक्सपोनेंट पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ोगे, तो उसमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड कराया जाता है, तो कहा जाता है कि बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, यानी ये ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो तो। अरे बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक इसका कन्वर्स बता रहा हूं, ठीक इसका मैं उल्टा बता रहा हूं कि अगर बाय द वे एक्स ग्रेटर देन वाई है, ठीक है ना जी, तो दोनों तरफ अगर हम बेस में नंबर ए डाल देते हैं, इसके बेस में दोनों तरफ नंबर ए चढ़ा दिए, और अगर इस बेस का नेचर वन से बड़ा है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, और अगर हमारा इनइक्वालिटी बदल जाएगी कब? जब बेस जीरो वन के बीच में है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पे लिख दिया टू टू दी ऐसे कर लो टू टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन टू टू द पावर वन, तो ये कंफर्म है कि एक्स ग्रेटर देन वन होगा, बेस जो है चूंकि वन से बड़ा है इसलिए हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं रखता हाफ टू द पावर टी इज लेस देन हाफ टू द पावर टू, तो ये कंफर्म हो जाना कि टी ग्रेटर देन टू होगा। क्यों? क्योंकि बेस जो आपने हटाया है वो वन से छोटा है। अरे बस मैं अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, ठीक है, तो बेस में अगर मैं फोर लगा दू दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, सॉरी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वन से बड़ा है। लेकिन अगर यही मैं बेस में वन अपॉन फोर लगा दू, मैं अगर बेस में मैं वन अपॉन फोर लगा दू तो इनइक्वालिटी तुरंत जो है चेंज हो जाएगी। अरे बात समझ में? बेस जो है जीरो और वन के बीच में होगा, या तो वन से बड़ा होगा, वन के इक्वल नहीं होगा और जीरो से छोटा नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। आगे आएंगे आप देखते रहो। तो ये चीजें भी आपको आई होप पकड़ में आई होंगी। ये सब तो एक सीधा था, ये सब एक तरीका है, ये सब है ना, ये सब प्रॉपर्टीज है, आप जरा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने मेन प्रॉपर्टीज की, जो है लॉ ऑफ स्क्वेयर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये सारी चीज जो है अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफिकल अप्रोच और ये एनालिटिकल अप्रोच ये भी दोनों में बता रहा हूं, मैथमेटिकल अप्रोच ये जो भी है मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप कर लेंगे लॉ ऑफ स्क्वायर वाली, लॉ ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना जी। ये चीज लॉ ऑफ स्क्वायर में जरा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखो मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर बाय द वे अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है, x की वैल्यू a और b के बीच में है या a और b के इक्वल भी है, यानी दूसरी भाषा में कह सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है। ऐसा अगर है तो मैं तीन केस ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। तीन केस ये कि a और b जो होगा वो नॉन नेगेटिव हो, a एंड b जो होगा वो नॉन पॉजिटिव हो, और यहां a पॉजिटिव हो एंड b सॉरी a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो। बात समझिएगा, a तो पॉजिटिव नहीं होगा, b नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर छोटा नंबर होता है, इधर बड़ा नंबर होता है, जब यह बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा तो फिर ऐसा इनइक्वालिटी लिखना ही गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में? इसलिए मैंने ऐसा लिखा। नॉन नेगेटिव का मतलब कि जीरो भी इक्वल हो सकते हैं। अरे बात समझ में? तो a और b यानी नॉन नेगेटिव मतलब यूं कह लो लूजली भाषा में कि a और b दोनों पॉजिटिव हो और ए और बी दोनों ही नेगेटिव हो, तो नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। ए और बी जीरो को भी ले सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव लिखा हूं, वरना यहां पे मैं स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिखता स्ट्रिक्टली नेगेटिव लेता। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए एक्स की वैल्यू अगर दो से लेकर के चार के बीच में, यहां मैं लिख दू एक्स की वैल्यू जो है अगर माइनस चार से लेकर के माइनस दो के बीच में, और यहां मैं लिख दू एक्स की वैल्यू माइनस दो से लेकर के चार के बीच में है। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
तब हमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है कहां से कहां तक होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अक्सर ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं तो इंसान सोचता है और कुछ नहीं सर स्क्वायरिंग करना है, तो ये 4 हो जाएंगे और ये 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से 16, ये हो जाएगा सर 16 और ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा सर 4 और ये हो जाएगा सर 16। चलो मैं इसको जरा 2 कर दूं तो ये हो जाएगा सर 4 ऐसे। अब जरा देखो तुम, शर्म आ रही है कुछ? मतलब अगर ऐसा जो करने वाला है उसको मैं बोल रहा हूं कि कुछ शर्म आ रही है इसको देख करके। एक बात बताओ, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 से 4 के बीच में है। अरे भैया इससे उसके बीच में ये जो वर्ड आता है ना यहां से वहां, तो यहां से वहां के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग होती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना गैपिंग हो, लेकिन वो यहां कहां से गैपिंग लग रही है भाई अकल के अंधो, ये तो गैपिंग है नहीं। बात समझना, 4 से 4 के बीच में, अरे भैया वो वहीं पे है। कौवा उड़, बगुला उड़, हाथी उड़, तुम तो हाथी को भी उड़ा दिए, वाह रे मैथमेटिशियन। ये चीज ध्यान में रखना, यहां पे ये गलत हो जाएगा। इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज समझो। ये 16 और 4 कुछ दिख रहा है? 16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 से 4 के बीच में, वाह भाई वाह। मतलब सभी लोग जो है जब पैदा होता है तो छोटे से लेकर के बड़ा बनता है। तुम्हारे कहने का सेंस ये हो गया कि पैदा हुआ तो छोटा से बड़ा था, जब अगर वो बड़ा हुआ स्क्वेयरिंग किया तो अब बड़ा से छोटा हो रहा है, मतलब क्या। ये चीज समझनी जरूरी है। तो देखो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है और दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो इनइक्वालिटी ना बदलना, सेम रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम एक लाइन में सब। ये बात समझो, जैसे देखो x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में, तो जब स्क्वेयरिंग कर लो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और इनइक्वालिटी ना बदलो, हो गया आंसर, हो गया आंसर, बस खत्म, ठीक है। अगर दोनों ही निगेटिव हो तो स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो, कर लिया, और दोनों ही निगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है चेंज कर दो, यानी ये जो लेस देन और इक्वल टू है बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसको थोड़ा सा सजा करके लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेकर 16 के बीच में। अरे बात समझ में, यानी ये ऐसा लिखना सही है, और ये हमारा क्या बन जाएगा 4 से लेकर के एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 के बीच में। ये दोनों तो खैर आम बात है और इमली बात है, अरे बात समझ में, लेकिन ये कच्चा आम बात है, बात समझना। ये जैसे कच्चा आम समझ रहे हो, कच्चा आम या इमली समझ में आता है क्या है, मतलब सुनते मुंह में पानी आ जाते हैं, क्योंकि उसको खाने के बाद से ऐसे करता है, क्यों करता है, आंखें क्यों मिचने लगता है, इसलिए मिचने लगता है। ये प्रॉब्लम भी देखने के बाद से इंसान आंखें मिचने लगता है, क्यों, जब गलती होती कहते ओ अच्छा यहाँ पे ऐसे, अभी ये क्या है, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज आंखें मिचना, कच्चा आम इमली ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके लिए ये है कि आप सीधी और सिंपल भाषा में समझो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लो, -2 का स्क्वायर कर लो, तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 ही रहेगा, x का स्क्वायर करो x स्क्वायर रहेगा। अरे बात समझ, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाए ना, जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए तो x स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट करना है 0 से, कहां से स्टार्ट करोगे 0 से, और इन दोनों के स्क्वायर करके देख लो जो सबसे ज्यादा देगा उसको लिख लेंगे, तो दोनों तो खैर बराबर ही दे रहा है, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 से लेकर 4 तक होगा, काम खत्म, काम खत्म। बस दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अगर मैं यहां पे लिख दूं 4 लिखा हुआ था, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, कुछ ना करो बिलोंग्स टू 0 से लेकर 16, नहीं समझ में आया कैसे, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा 4 और 16 में जो मैक्सिमम होगा उसको लिखेंगे, बात खत्म, मैक्स ऑफ दिस, समझ में आ गई बात। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी, ये समझ लो ऐसे थ्योरेटिकल करके लिखना है, तो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए से बी देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी, ये बात समझना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 से लेकर के मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर होगी। यहां साफ नहीं दिख रहा क्या, अच्छा चलो मैं इसे लिख दे रहा हूं, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो मैक्सिमम होगा वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो -4 से लेकर के x की वैल्यू 5 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा देखो तो आंख बंद करके लिख लो, एक्स स्क्वायर 0 से लेकर के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 के बीच में हो जाएगी,
अरे बात समझ में, अगर यहाँ पे मैं 3 रखता तो कहां तक हो जाती, 16 के बीच में हो जाती। अरे बात समझ में, अब तो पकड़ में आ गए, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, यहां से इनइक्वालिटी हमने हटा दिया, बात समझो, थोड़ा सा मैं केस फंसा रहा हूं, बात समझना। जब मैं इनइक्वालिटी यहां से हटा दूंगा तब भी यहां इक्वालिटी रहेगी, जीरो के पास रहेगी, जीरो के पास मत हटाना, जीरो के पास से रहेगी, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो जीरो के पास रहेगी। अब यहां जरा ध्यान देना, -4 का स्क्वायर 16, यहां तो -4 इंक्लूड नहीं है ना, इसलिए यहां से हटेगी, एक सोल्यूशन कम होगा, बात समझना है। लेकिन अगर यहां पे इनइक्वालिटी और यहां से हट जाए तो 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों में जो बड़ा लेना था वो है, ये जो बड़ा इसके वजह से ना, बात समझो, बहुत ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी या फिर ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं यार, एक लेक्चर ज्यादा हो, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ सोल्यूशन देखना, अक्सर IIT में प्रॉब्लम पूछता है मेन्स में एडवांस्ड में, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम पूछते हैं ना मेन्स और एडवांस्ड में, ये आपको इतना टैकल करते हैं, अक्सर देखना पूछता है क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऐसे पूछता है, या हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन में अगर आप बताओ एक भी सोल्यूशन यहाँ इंक्लूड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 होते रहेंगे तो आप हो जाएंगे 5, या अगर एक भी ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, और ऑप्शन में दोनों ही दिया रहता है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। अगर -4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 9 आएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 16 हो जाएगा, तो यहां बाउंड्री पे देखना है, यहां 0 शामिल होगा नहीं, यहां 16 होगा कि नहीं होगा, तो 0 को हमेशा ही शामिल रखना, 0 जो है बिल्कुल हमेशा ही शामिल रहेगा। अरे और समझ में, अरे जैसे यूं कह लो ना कि तुम जो है चाहे साइंस ले लो या फिर आर्ट्स ले लो या कॉमर्स ले लो या साइंस में मैथ्स बायो ले लो, कुछ भी, जैसे इंग्लिश जो है सबके लिए कॉमन होता है वैसे ही ये है। अरे बात समझ, लेकिन ये 16 देखो, 16 आ रहा है तो 16 किसके वजह से, -4 की वजह से आया है, और -4 यहाँ इंक्लूडेड है, देन हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, अगर -4 इंक्लूड नहीं होता तो इंक्लूड नहीं करते। अरे बात समझ में, अब देखो अगर यहां पे मैं यू कह दू अगर मेरा ऐसे रहता और मेरा ऐसे रहता, अब बताओ तो क्या देता, 0 से लेकर के 9 के बीच में हो जाता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9। अब देखिए ये 9 3 के पास शामिल नहीं है ना, एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए 9 के इक्वल नहीं होगा। अरे बात समझ, लेकिन अगर इक्वालिटी होती तो यहां इक्वालिटी होती, यहां अगर नहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो जो दोनों में मैक्सिमम हो, इसको मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली अब बता रहा हूं, देखिए ये हो गया एनालिटिकल अप्रोच, अब मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकली बता रहा हूं, ग्राफिकली समझ ले, क्यों, क्योंकि फिर आपको रिसिप्रोकल वाला समझने में आसानी रहेगी। देखो x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में हो तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, ये रहा ग्राफ ड्रॉ करो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, एक्स स्क्वायर की ना, कहां से कहां तक होगा, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का तुम चुपचाप किसी से बोलना नहीं, अपने ताऊ चाचा किसी से नहीं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा पड़ रहा इसलिए, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ है ये। अरे बात समझ में, एक्स स्क्वायर की जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसी की वैल्यू निकाल ली, तो देखो अब क्या है, x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में, यहां मान लेते हैं 2 है, यहां मान लेते हैं 4 है, समझो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, आप ग्राफिकल अप्रोच समझोगे ज्यादा फायदे करेंगे, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए बता दो, जब एक्स की वैल्यू 2 और 4 के बीच में, तो 2 यहां पे होगा 4 यहां पे होगा, तो चलो जरा 2 पे वैल्यू निकालो, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 2 के सामने सीधा चलते हैं और ग्राफ पे टच कराते हैं, ग्राफ पे टच कराने के बाद जो पॉइंट मिलता है वहां से जो है हम सीधा वाई एक्सिस पे बढ़ते हैं, ये बढ़े ये मिला वाई एक्सिस, ये कितना होगा, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 डाल देंगे, 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक, उसी तरह 4 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा चलेंगे, ये मिला यहां से सीधा आए, एक्स की जगह क्या करेंगे 4 डालेंगे, क्या मिल जाएगा 16, तो देखो तो जब एक्स की वैल्यू 2 और 4 के बीच में कहीं भी लेंगे तो हमारी वैल्यू कहां जाएगी, दिखाई दे रहा है, किसके बीच में है, 4 और 16 के बीच में रहेंगे, यानी इसी के बीच में ये रहेंगे। अरे बात समझ में क्लियर हो गएगा, यानी एक्स की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगा तो 4 के इक्वल, 4 के इक्वल होगा तो 16 के इक्वल, और 2 4 के बीच में रहेगा तो 4 16 के बीच में, यही देगा इसका रेंज, इसको कभी कभी रेंज निकालना भी कह देते हैं। अगली बात समझ में, जो वाई की वैल्यू मिलती है वो रेंज होता है, तो ये हो गया 4 और 16 के
बीच में ही रहेंगे। आगे बात समझिए बेटा। अच्छा अब जरा ध्यान दो, अगर बाई दो यहां टू इंक्लूड नहीं होता तो कभी भी यहां फोर इंक्लूड नहीं होता, क्लियर। अगर फोर इंक्लूड नहीं होता तो सिक्सटीन इंक्लूड नहीं होता। अरे बात समझ में। अब जरा देखते हैं माइनस टू से माइनस फोर से माइनस टू के बीच में, तो ये देखो ये रहा हमारा माइनस फोर और ये रहा हमारा माइनस टू। माइनस फोर पे देखेंगे तो वैल्यू कहां जाएगी बेटा, माइनस फोर पे 16 पे जाएगी, और माइनस टू पे देखेंगे तो वैल्यू कहां जाएगी बेटा, 16 पे, सॉरी माइनस टू पे देखेंगे तो 4 पे, और माइनस फोर पे देखेंगे तो 16 पे, बोलने में गलती हो गई सॉरी। माइनस टू पे जो है ना 4 पे जाएगी, माइनस टू का होल स्क्वायर और ये माइनस, तब भी देखा जाए तो क्या है माइनस फोर से माइनस टू के बीच का कोई भी चाहे हम पॉइंट उठाएं, देखिए ग्राफ पे, अरे बात समझिए, देखे तो माइनस फोर से माइनस टू के बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो 4 से 16 के बीच में रहेगी। मैंने ये भी किया, अरे बात समझ, देख रहे हैं सब होते जा रहा है। लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि सर अगर हमारा कहां था दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा मिट गया है। अगर मेरा प्रॉब्लम था कि सर माइनस टू से लेकर के एक्स की वैल्यू फोर के बीच में रहे तब, तो सोचो कि माइनस टू से लेकर और ये फोर के बीच में रहे, तो देखो जब माइनस टू से तुम फोर जा रहे हो तो क्या जीरो क्रॉस होते हुए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, जा रहे हो ना, तो माइनस टू से एक बार जीरो और फिर जीरो से लेकर के फोर, इसलिए पता चलेगा कि अच्छा क्यों ऐसा हुआ। तो एक बार जब हम माइनस टू से जीरो के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो माइनस टू से चलेंगे तो फोर पे आएगा, बात समझना यहां ध्यान से, यही तो इंपॉर्टेंट है, माइनस टू से चलेंगे तो फोर पे जाएगा है ना, और माइनस टू से जीरो के बीच का हम कोई भी नंबर लेंगे तो ये नंबर कहां जाएगा, जीरो से चार के बीच में रहेगा। यानी x की वैल्यू माइनस टू से जीरो लेंगे, जब हम x की वैल्यू माइनस टू से लेकर के जीरो के बीच में लेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी जीरो से लेकर के चार के बीच में होगी, क्लियर होगी बात। और जब हम जीरो से लेकर के चार के बीच में बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से लेकर के 16 के बीच में चलेगी, समझ में आ गई बात, और ये हो जाएगा यूनियन। तो अब बताओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से चार, ये इतना लेंथ, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से 16, यूनियन लेने का मतलब क्या, ये भी इसमें मिला दो, और जब अगर वो भी नहीं समझ में रहे तो सीधा रियल नंबर लाइन लो, प्लस इन्फिनिट लो, माइनस इन्फिनिट लो, जीरो लिया, चार लिया, 16 लिया, यही ना नंबर दिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर के लिए आप साइन सॉरी नंबर लाइन ड्रॉ की हो। अब ये हो गया जीरो से लेकर के चार के बीच में, और ये क्या हो गया जीरो से लेकर के 16 के बीच में, यूनियन लेने का मतलब है कि जो हो ना हो सब मिला के लिख लेना। तो क्या हो जाएगा जरा देखो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये जीरो से चार तो इसमें आ ही जा रहा है, आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से लेकर के 16 के बीच में। नहीं समझ में आया, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मैं क्या करूंगा प्रॉब्लम लिख दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब उसका मैं क्या करूंगा, कभी मैं होमवर्क दे दूंगा, ऐसे बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, एंड देन आप मुझे जो है ना इस नंबर पे 7082462246 आप चाहे तो इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये 70 82 46 22 46 ठीक है, और आप अपनी जो है ना जो मैं प्रॉब्लम दूंगा वो आंसर भी सेंड कर सकते हैं, और आप जो है पूछ भी सकते हैं अगर कहीं डाउट्स आती है उसमें तो लेक्चर्स में, तो ठीक है। अगर मैं मान लो कि अगर मैंने दे दिया माइनस थ्री से लेकर के एक्स की वैल्यू थ्री के बीच में, सीधा कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करो, ये रहा भैया माइनस थ्री, ये रहा थ्री, माइनस थ्री पे अगर हम वैल्यू चलेंगे तो कहां पे जाएगा, नाइन पे, थ्री पे वैल्यू चलेंगे कहां जाएगा, नाइन पे, तो आप वही कर रहे थे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नाइन से नाइन के बीच में, लेकिन होने है आप देख रहे हो माइनस थ्री से जब जीरो के बीच में चलोगे तो देखो वैल्यू कहां से चलेगी, जीरो से नाइन के बीच में रहेगी, और जब फिर जीरो से थ्री चलोगे तो फिर वैल्यू जीरो से नाइन के बीच में रहेगी, इसलिए इसका जो है सॉल्यूशन ये वाला निकालना, ये वाला करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये था लॉ ऑफ स्क्वायर, तो लॉ ऑफ स्क्वायर में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फाइनली लिख दे रहा हूं कि जब अगर एक्स की वैल्यू ए से लेकर के बी के बीच में होगी देन ए स्क्वायर से लेकर के एक्स स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर के बीच में होगी, कब, जब ए एंड बी जो होगा वो नन नेगेटिव होगा तब, और अगर ये जो हो जाएगा बी स्क्वायर से लेकर के एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के बीच में हो जाएगी, कब, जब ए एंड बी आर नन पॉजिटिव हो जाए यानी नेगेटिव है,
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो हमारी जीरो से लेकर के मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर होगी, कब, जब हमारा ए पॉजिटिव सॉरी ए नेगेटिव हो एंड बी पॉजिटिव रहे तब, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये चीजें आप जो है ये बक्सा तो जो है आप दिमाग में रखें, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब एक दूसरा बता रहा हूं, रेसिप्रोकल लेने वाली कहानी, ये सीख ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर हमें रेसिप्रोकल लेना है तो कैसे करेंगे, उसको भी ग्राफिकल में सिखा देता हूं, ठीक है। देखिए अब समझे, यहां पे जब अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको मिले, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपको मिल जाए कि एक्स की वैल्यू जो है सेम वैसे ही, आप समझिए ऐसे दी हुई है एक्स की वैल्यू जो है, देखिए अलग अलग मैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझे। और अगर मैं ऐसे ले लिया, ठीक है, एक समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो फिर आप कैसे प्रॉब्लम तोड़ तक सकते हो, उसकी हड्डी जो है तोड़ सकते हैं, बजा सकते हो आप, ठीक है। जरा देखो यहां पे x की वैल्यू जो दो और चार के बीच में होगी, जब इसका रेसिप्रोकल लेना है, वन अपॉन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने सोचता है ना कि सर अभी तो आपने बताया कि जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहां उल्टा करेंगे इनइक्वालिटी डायरेक्शन बदल जाएगी, सर यहां पे अगर मैं उल्टा करूं तो सर इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है ना। जरा ये देखो, इसको जरा आप सजा करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा, वन अपॉन फोर से लेकर के वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू के बीच में होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ से लेकर के वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर के बीच में हो जाएगी, और यहां पे जरा देखो बेटा, माइनस हाफ से लेकर के एक्स की वैल्यू सॉरी माइनस वन अपॉन फोर से लेकर के एक्स की वैल्यू माइनस हाफ के बीच में, जरा देखो तो ये डब्ल्यू चाहिए भैया, ये सही कह सकते हो, ठीक है, ये यहां नेगेटिव ये पॉजिटिव सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सही है नहीं है, गलत है। आप जरा से ध्यान में रखेंगे, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सिर्फ बदल देना, जब नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता जब रेसिप्रोकल करोगे तो, ठीक है, बदल जाएगी इनइक्वालिटी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब सेम साइन रहे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है, सेम साइन रहे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, समझो देखो ये वाली नेगेटिव है और ये वाली जो है पॉजिटिव है, जब निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो खतरे की घंटी डोलेगी, है ना। तो ये चीज आप जरा सा ध्यान रखें, तो मैं इसको देखिए आपको समझा दे रहा कि ग्राफिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए, वन अपॉन एक्स निकालनी है तो सीधा क्या करो, वन अपॉन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये रही वन अपॉन एक्स की ग्राफ, ये है वन अपॉन एक्स की ग्राफ। अब जरा देखो x की वैल्यू क्या है, दो से चार के बीच में है, यहां है, यहां है नेगेटिव रीजन के लिए था, ये रहा दो ये रहा चार, x की वैल्यू टू जब लेंगे तो ये किसके ग्राफ है, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की, तो ये कहां जाएगा वैल्यू, वन अपॉन टू पे, और x की वैल्यू जब फोर लेंगे तो देखो कहां जाएगा वैल्यू, वन अपॉन एक्स की जगह टू डाल दो, एक्स की जगह फोर डाल दो, वन बाई टू वन बाई फोर, तो जब वन बाई टू से वन बाई फोर चल रहा है तो वैल्यू क्या दे रहा है, हाफ से वन बाई फोर, यानी इसको सजा के लिखेंगे तो क्या जाएगा, वन बाई फोर से वन बाई टू, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। यहां पे देखो माइनस फोर से माइनस टू, यहां देखो ये हमारा माइनस फोर, ये रहा हमारा माइनस टू, माइनस फोर पे जब चलेंगे तो देखिए ये वैल्यू कहां देगी, माइनस वन अपॉन फोर पे, माइनस टू पे चलेंगे तो वैल्यू कहां देगी, माइनस वन अपॉन टू पे, तो जब एक्स की वैल्यू माइनस फोर से माइनस टू के बीच में जब हम चलेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखना, तो माइनस हाफ से माइनस वन बाई फोर, बिल्कुल सही, अच्छा जी। अब देखो माइनस टू से फोर जाने में जीरो आ रहा है, यहां जरा ध्यान देना है, क्योंकि माइनस टू से जब फोर जाएंगे तो बीच में जीरो होगा, और जीरो पे ये फंक्शन वन अपॉन एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस होता है, देखो तो वन अपॉन एक्स में एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए वैसा लिखना गलत हो जाता, जो आपने लिखा था उल्टा करके वो गलत हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसलिए अब यहां इनइक्वालिटी जो है टूटेगी, कैसे टूटेगी, एक बार जो है निगेटिव रीजन के लिए माइनस टू से जीरो, और फिर जो है एक बार जीरो से लेकर के फोर के बीच में, अब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा वन अपॉन टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एक्स वन अपॉन फोर, ये टेंड्स टू जीरो कहा जाता है बेटा, ऐसे तीर लगा करके जीरो, तीर लगा करके जीरो, टेंड्स टू जीरो कहा जाता है।
और यहां जो आप जीरो टेंड कराइएगा ना, ये जो होगा जीरो माइनस और यहां जो हो जाएगा जीरो प्लस होगा। ये देखो मैं यहां थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, टेंड्स टू अगर कोई नंबर ए माइनस है, टेंड्स टू कोई नंबर ए प्लस है अगर, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है लेकिन a से थोड़ी सी छोटी है। जैसे देखो अगर टेंड्स टू टू फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम राइट, तो टू फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं, टू फ्रॉम लेफ्ट दो से थोड़ा सा छोटा, यानी 1.9999 1.8 कह सकते हो, 1.5 नहीं कहेंगे, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, वेरी लिटिल वेरी वेरी स्मॉल यूं कह लो। और ये क्या है, दो से थोड़ा सा ज्यादा, यानी इसमें हो जाएगा 2.00001, ये हो जाएगा 1.9999। ये ऐसे केस आएंगे। यहां कहोगे सर जीरो लेफ्ट जीरो राइट कैसे आ गया, यहां थोड़ा सा मैं साफ करके लिख दूं ऐसे। देखो जी यहां मैं जीरो लेफ्ट लिख रहा हूं और यहां जीरो तो राइट लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां एक्स की वैल्यू देखो कहां से, माइनस टू से जीरो के बीच में, तो एक बात हो तो माइनस टू से जीरो के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो वो जीरो की तरफ हम किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, यानी इसमें तो कोई पॉजिटिवली नहीं है। और जीरो से चार के बीच में देखेंगे तो कभी भी पॉजिटिवली ही आएंगे, जाएंगे भी जीरो के पास तो पॉजिटिवली ही रहेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अरे बस अब ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन अब बदल जाएगी, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिट चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ चला जाएगा, यूनियन ये क्या हो जाएगा 1/4 से लेकर के एक्स की वैल्यू इंफिनिट के बीच में, प्लस इंफिनिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जीरो पर देखिए जब जीरो और चार के बीच की वैल्यू लेंगे, जीरो और चार के बीच की वैल्यू देखिए जीरो पे ये कहां चला जाएगा, अगर आप जब एक्स वाई एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, पैरेलल ही हो गया है, तो प्लस इंफिनिट तक चला जाएगा, और जब माइनस टू से जीरो के बीच में आएंगे तो क्या जाएगा वैल्यू माइनस इंफिनिट तक चला जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जब एक्स की वैल्यू माइनस टू से जीरो चलेगी तो हमारा क्या जाएगा वैल्यू माइनस इंफिनिट से माइनस हाफ, और क्या जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो से चार तो 1/4 से इंफिनिट। अरे बस यानी मैं फाइनल ये ऐसा करके बना सकते हैं, फाइनली अगर मैं मिला करके बोलूं इस चीज को ए और बी की भाषा में, ए और बी की लैंग्वेज में अगर मैं इसे बोलूं तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जब अगर एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है और अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो 1/x की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस इन्फिनिट से 1/a हो जाएगी, यूनियन 1/b से इन्फिनिट। बस जैसे देखो माइनस टू से लेकर के एक्स की वैल्यू 4 हो तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिट से माइनस हाफ, यूनियन 1/4 से इन्फिनिट। अगर आप ये याद कर ले तो फटाफट देख लो, माइनस इन्फिनिट से इस नंबर का रेसिप्रोकल, यूनियन इस नंबर के रेसिप्रोकल से इन्फिनिट तक, बस बात करते हो काम करते देख लो वही चीज आएंगे, ठीक है। अगर आप कर लो यहां पे क्या कर लो, अगर माइनस हाफ से लेकर के 1/4 है तो हो जाएगा माइनस टू से लेकर के माइनस इन्फिनिट से माइनस टू, यूनियन 4 टू इन्फिनिट। आप ऐसे लेकर के देख सकते हैं, ये रहा 1/x की, ये रहा 1/x की ग्राफ, ठीक है ना, ये कंबाइंड होता है ना, ये दोनों विंग ये और ये मिला करके 1/x के ग्राफ है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ग्राफ वाई एक्सिस को कभी टच कट नहीं करेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देखिये क्या है, माइनस हाफ से 1/4, ये रहा माइनस हाफ, ये रहा 1/4, ये रहा 1/4, बहुत नजदीक। तो बताइए माइनस हाफ जब चलेंगे तो हमारा ये रहेगा, ये जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ है 1/x का, तो यहां माइनस हाफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1/2 हो जाएगा, और ये जब 1/4 चलेंगे तो देखिए यहां चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। तो देखिए माइनस हाफ से 4 तक जाने में बीच में जीरो से पास कर रहे हैं, और जीरो पे देखिए ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम चलेंगे माइनस हाफ से जीरो, और तब सांस लेने के बाद यहां बैठने के बाद जीरो से लेकर के 1/4 चलेंगे। तो बताइए इसके लिए चलेंगे माइनस हाफ तो माइनस टू, और जीरो पे जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ, तो ये बढ़ते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे से रेंज माइनस इन्फिनिट से माइनस टू, और यहां से देखा जाए तो कहां तक जाएगा 1/4 तक, जीरो से फोर के बीच में चलेंगे तो देखिए 4 से इन्फिनिट। तो ये है रेसिप्रोकल एक कहानी, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात बता दे रहा हूं मैं, है ना, कि अगर ए बी से बड़ा है, इवन रूट और ऑड रूट के बारे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी से बड़ा है, अगर जो है ए जो है बी से बड़ा है, एंड ए एंड बी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो अगर दोनों तरफ अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। यानी जनरलाइज्ड करके अगर मैं बात करूं
जनरलाइज अगर मैं इसे कर दूं, जनरलाइज्ड कर दूं, तो अगर मैं इसका इवन रूट ले लूं, अगर मैं इसका इवन रूट ले लूं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्लियर होगी बात? लेकिन ए और बी क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए। जैसे अगर मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है यू का लो 25 - x2, अगर यहाँ 4 से लेकर 8 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से लेकर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद से 2√2 के बीच में होगा। लेकिन ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये 0 से 8 है तो 0 से हो जाएगा, लेकिन अगर यही रहता -4 से लेकर तो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इवन रूट लेने का मतलब इमेजिनरी दे देगा। ठीक, तो ये हुआ लॉ ऑफ स्क्वायर, यह है लॉ ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम जरा सा नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं। उसमें क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है और यहां पे जो है ए एंड बी आर ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई भी हो, तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब लगा लें या दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन बदलेगा ही। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ हम क्या कर ले, ऑड पावर ले लें, दोनों तरफ क्या कर ले, ऑड पावर का रूट ले लें या फिर ऑड रूट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर अंडर रूट में मान लीजिए कि -27 है, सॉरी क्यूब रूट है निकालना है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 की होल पावर, अरे वह समझना, सॉरी, और यहां पे क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट में ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और अभी प्रॉब्लम्स है। ये तो था कि केवल प्रॉपर्टीज, दो लेक्चर से मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसके पहले आपको जितना अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ाया हूं उस पर बेस्ड मैं आपको पहले प्रॉब्लम्स कराऊंगा। जब उस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन फिर मैं आगे प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको उससे रिलेटेड, है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज है। उसके बाद मैं आपको वेवी कर्व मेथड बताऊंगा, यानी कि मेथड ऑफ इंटरवल में आपको बताऊंगा, है ना। उसके बाद से आपको तब मैं मॉडुलस स्टार्ट करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू स्टार्ट करूंगा और पैरेलली जो है आई विल ट्राई टू अपलोड लेक्चर्स ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है ना, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पे भी लेक्चर जल्दी कोशिश करूंगा अपलोड करने की, क्योंकि अभी जो है ना मेंस का पेपर होने का जो है ना टाइम है, कुछ दिन के बाद जो एक्सपेक्टेड डेट है ना उसके हिसाब से, तो बच्चों की, क्योंकि वो जो है वो चैप्टर से आप इजीली जो है 4 नंबर खींच सकते हैं अगर देखा जाए, हालांकि इजीली नहीं कर सकते हैं ना, अगर जब फोकट कहीं मिलता तो फिर क्या बात रहती। ठीक है, तो आप जो है ना इस चीज को आप ध्यान से पढ़े, जहां अगर दिक्कत आ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताएं, या फिर मैंने अभी अपनी कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था आप उस पर जो मुझे व्हाट्सअप करें, आप मुझे बताएं, है ना, कहां आपको लेक्चर में दिक्कत हो रही है, जहां भी दिक्कत हो आप हमको बताएं, है ना, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट्स, है ना, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है ना, और अगर आपको कोई अच्छा सजेशन हो, है ना, देन आप मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है देन एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से लाइक करें, लेकिन लाइक करते हुए ध्यान दें कि एक हाथ से लाइक और दूसरे से फिर अनलाइक ना हो जाए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो एक हाथ से लाइक और दूसरे हाथ से सब्सक्राइब करें एंड देन इसको जो है शेयर करें, इसको कहते हैं ना रायता फैला दो, तो रायता फैला दो, अगर अच्छा लगता है देन सपोर्ट कीजिए और इस चीज को बढ़ाइए आप आगे। ठीक है, तो फिर आज रहने देते इतने ही, मैं रिजवान अहमद अंसारी आज मैं आपसे जो है यहीं पे लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।